आईपीएल 2021 की तैयारी स्टार्ट कर चुकी है बीसीसीआई ने और आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 2021 की आईपीएल के लिए कौन से 5 खिलाड़ी को रिलीज करने वाली है, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले, तो प्लीज एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में जिनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अपने टीम से बाहर निकालने वाली है। तो गाइस उस खिलाड़ी का नाम है साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन। डेल स्टेन को गाइस इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम रिलीज करने वाली है, क्योंकि 2 करोड़ देकर इनको शामिल किया गया था अपने टीम में, लेकिन 2020 के आईपीएल में इन्होंने अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और अब वो डेल स्टेन नहीं रहे जो हमें पहले डेल स्टेन देखने को मिलते थे। तो डेल स्टेन के पास अब वो ताकत, वो पावर अब नहीं रहा, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर निकालने वाली है। तो आपका इस पर हमें क्या ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में जिनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पूरा पक्के तरीके से रिलीज करने वाली है। तो गाइस उस खिलाड़ी का नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एरन फिंच। जी हाँ गाइस, यहाँ पे एरन फिंच के ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा वाला यहाँ पे विश्वास किया था माइक हसन ने और आरसीबी के टीम मैनेजमेंट ने कि यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में आएंगे तो एरन फिंच एक अच्छा स्टार्ट देंगे और यूए का मैदान तो और भी ज्यादा उम्मीद बढ़ गई थी कि वो यूए के मैदान पे खेले भी है तो अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ नहीं हुआ और ऐसा एरन फिंच कर भी नहीं पाए। जिस तरीके से, जिस सोच को लेकर उनको किया गया था अपने टीम में इंक्लूड, वैसा काम नहीं कर पाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एरन फिंच। और एरन फिंच को गाइस 2021 के आईपीएल के लिए रिलीज करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम यहाँ पे 4 करोड़ रुपए देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। एरन फिंच को वो बिल्कुल भी नहीं देने वाले और एरन फिंच को रिलीज करेंगे एंड फिर से गाइस अपने टीम इंक्लूड कर सकते, सस्ते में आ सकते हैं, लेकिन फिर से 4 करोड़ रुपए देना एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होने वाला है। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी के बारे में जिनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम रिलीज करने वाली है। तो गाइस उस खिलाड़ी का नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के क्रिस मॉरिस। यहाँ गाइस अभी क्रिस मॉरिस मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे आरसीबी के लिए, लेकिन इस बार गाइस वो थोड़ा इंजर हो गए थे स्टार्टिंग में एंड गाइस लास्ट में एलिमिनेटर में इंजर हो गए थे। और 10 करोड़ में गाइस एक अच्छा T20 का आपको यहाँ पे ऑलराउंडर मिल जाएगा, गेंदबाज भी मिल जाएगा, प्रॉपर एक तेज गेंदबाज मिल जाएगा। और 10 करोड़ रुपए गाइस अभी क्रिस मॉरिस को दिया गया था जहाँ पे वो आधा सीजन यहाँ पे खेले ही नहीं थे। और उसके बाद गाइस अभी क्रिस मॉरिस की अगर हम लोग बात करें तो क्रिस मॉरिस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम यहाँ पे रिलीज करेगी, फिर से उनको अपने टीम में इंक्लूड करेगी, मैं इतना आपको बता सकता हूँ, लेकिन कम प्राइस में। अगर फिर से 10 करोड़ रुपए क्रिस मॉरिस जैसे खिलाड़ी को दिया जाता है तो कैसे बहुत बड़ा बेवकूफी होगा। और मैं बता सकता हूँ आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम क्रिस मॉरिस को रिलीज करेगी, बट गाइस उनको फिर से अपने टीम में इंक्लूड कर सकती है सस्ते प्राइस में। तो आपका इस पर में क्या ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं चौथे खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस चौथे जो खिलाड़ी का नाम निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के शिवम दुबे। जी हां गाइस, शिवम दुबे को पिछले 2 सालों से गाइस यहां पे बहुत सारा पैसा यहां पे दिया जा रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से, लेकिन गाइस जिस तरीके से उनको पैसा मिल रहा है उस लेवल का वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे आरसीबी के लिए। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम यहां पे शिवम दुबे को इस पर रिलीज करने वाली है और माइक हसन ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास किया था कि शिवम दुबे गेंदबाजी में थोड़ा कमाल करेंगे एंड एंड में अगर बैटिंग करने आएंगे तो वो थोड़ा सा अपना झलक दिखाएंगे। जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था इंडिया के लिए, तो अगर ऐसा परफॉर्मेंस कर भी देते तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम उनको अपनी टीम में इंक्लूड कर लेती एंड रिटेन भी कर लेती एंड उतना पैसा अगर दे भी दे तो उनको ज्यादा अखर नहीं होता। लेकिन गाइस यहाँ पे शिवम दुबे 5 करोड़ जैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे पिछले 2 सालों से कर ही नहीं पाए हैं और इसी वजह से गाइस यहाँ पे शिवम दुबे को भी रिलीज करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम और फिर से इनको टीम में इंक्लूड कर सकती है, बट गाइस यहाँ पे सस्ते प्राइस में शिवम दुबे आरसीबी की टीम में आ सकते हैं। तो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्या शिवम दुबे को रिलीज करना चाहिए या नहीं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं पांचवे और आखिरी खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस आखिरी जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे उनका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के उमेश यादव। और उमेश यादव को भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम रिलीज करने वाली है 2021 के आईपीएल के लिए, क्योंकि गाइस ये भी खिलाड़ी अब रॉयल चैलेंजर्स
चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है और पिछले दो सालों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए उमेश यादव परफॉर्म नहीं कर पाए और गाइस इस बार यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम यहाँ पे उमेश यादव को रिलीज करने वाली है। तो गाइस इन पांच खिलाड़ी को रिलीज करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो प्लीज वीडियो कीजिए लाइक शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी और उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।